हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इफेक्ट बताने वाला हूँ जिसे आप किसी भी पिक्चर पर अप्लाई करेंगे तो वो एक फैंटेसी इलस्ट्रेशन टाइप इफेक्ट देगा। और ये इफेक्ट भी बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स आप अप्लाई करके अपनी पिक्चर को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और इस इफेक्ट में हमें कुछ भी नहीं करना, बस 2 से 3 एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह ऐड करनी है और इफेक्ट लगाना है, कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करना है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी है और 4 से 5 मिनट में आपका ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और आपकी पिक्चर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लगेगी। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक 3200x4000 पिक्सल्स कैनवास ले लूँगा और उसके बाद अपने हॉर्स की इमेज को प्लेस एम्बेड कर लूँगा और उसे एडजस्ट कर लूँगा कैनवास पर अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद इफेक्ट्स में जाके फिल्टर गैलरी में जाना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स दिख रहे हैं, आर्टिस्टिक और स्टाइलाइज ये सब वगैरह, लेकिन हमें स्टाइलाइज वाला इफेक्ट अप्लाई करना है अपना ग्लोइंग एजेस वाला। और मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। इसे ओके करके अप्लाई कर देना है और ये है बिफोर इफेक्ट, ये है आफ्टर इफेक्ट। इसके बाद हमें अप्लाई करना है ग्रेडियंट मैप और इसमें हमें कलर की डिफरेंट वेरिएशंस हम रख सकते हैं जैसे भी आप चाहें, जैसे साइबर पंक टाइप इफेक्ट चाहें या पिंकिश ब्लूइश ग्रीनिश, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बहुत सारे आर्टवर्क दिखाए वो मैंने यही इफेक्ट अप्लाई करके बनाए थे। लेकिन मैं कुछ ये वेरिएशन चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाला मैं रखूँगा स्लाइडर ब्लैक कलर का, उसके बाद ऑल्ट प्रेस करते हुए हम स्लाइडर को मूव करेंगे तो हमारे पास स्लाइडर की कॉपी आ जाएगी। और सेकंड स्लाइडर में मैं रखूँगा रेड कलर, थर्ड स्लाइडर में रखूँगा येलोइश टाइप कलर और लास्ट वाले स्लाइडर में रखूँगा वाइट कलर। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है पीछे कैनवास पे। और ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। और कंट्रोल जे प्रेस करके ग्रेडियंट की एक कॉपी लेनी है और इसका ब्लेंडिंग मोड कलर डज या लीनियर डज पे अप्लाई कर देना है जिस पे भी आपको ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट का रिज़ल्ट मिले। उसके बाद मैं ओवरलेस वगैरह ऐड कर रहा हूँ कि हमारा जो इफ़ेक्ट है ये बिल्कुल फैंटेसी टाइप लगे, फैंटेसी हॉर्स लगे। इसका कलर ह्यू एंड सैचुरेशन से फायर का हम चेंज कर लेंगे कि हॉर्स के मुंह से फायर, मैजिकल फायर टाइप कुछ निकल रहा है। और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे रख देंगे, इसे एडजस्ट वगैरह कर लेंगे और इसकी कॉपीज़ वगैरह लेने के बाद जो 2 से 3 और मैजिकल इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे रोटेशन वगैरह देके कि बिल्कुल एक रियलिस्टिक लुक मिले। उसके बाद मैं कुछ ओवरलेज वगैरह ऐड कर रहा हूँ जैसे कि ये लेंस फ्लेयर वगैरह, और इसका एडजस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग मोड इसका भी चेंज कर देंगे स्क्रीन की तरफ या लीनियर डज ऐड जिस पे भी ग्लोइंग लुक मिले और इसे एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये ओवरलेज वगैरह जो होती हैं जैसे पार्टिकल्स, स्मोक, लेंस फ्लेयर वगैरह, ये बिल्कुल हमारे आर्टवर्क को नेक्स्ट लेवल ले जाती हैं तो इसलिए इन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इनकी ओपेसिटी वगैरह, ब्लेंडिंग मोड वगैरह के साथ खेल के आप इन्हें किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये बिल्कुल अच्छा लुक देती हैं। इसके बाद मैं स्मोक वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ, स्मोक की भी मेरे पास ओवरलेस बहुत सारी रखी हुई हैं और इन सब स्टॉक इमेजेस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा काम वैसे भी बस यहाँ तक हो चुका है, बस हम कुछ ओवरलेस वगैरह ऐड करके इसमें कैमरा और फिल्टर अप्लाई करेंगे और आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसकी भी ओपेसिटी हल्की कर लेंगे और इसकी कंट्रोल जे प्रेस करते हुए कॉपी लेके इसे ऊपर की तरफ भी रोटेट करके अप्लाई कर देंगे स्मोक को। और एक ऑरेंज कलर की सॉलिड लेयर अप्लाई करेंगे, सॉलिड कलर की लेयर, और इसका भी ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे लीनियर डज ऐड पे
कंट्रोल आई करके मास्क को करेंगे इन्वर्ट और ब्रश टूल के ज़रिए हल्का हल्का सा पेंट करेंगे सॉफ्ट राउंड ब्रश से एक ग्लोइंग लुक देने के लिए, और इसकी ओपेसिटी कर देंगे लो। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल ई प्रेस करके तमाम इमेजेस को मर्ज कर लेना है और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद इस पर अप्लाई करना है कैमरा रॉ फिल्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का शॉर्ट से ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो आपको वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना है ऑन ताकि मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वो मिल सके और आप देख के कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं किसी के साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।